कुराने पाक ने ना अहले यहूद की एक आदत बयान की। वो पता क्या करते थे, उनको दो हुक्म दिए जाते थे ना अल्लाह की तरफ से, तो जो उनकी मर्जी का होता था उसे मान लेते थे और जो मर्जी का नहीं होता था उसे छोड़ देते थे। अल्लाह ताला ने ना यहूदियों की इस आदत को कुरान पाक में बयान किया, फरमाया अफतुमिनूना बिबादल किताब व तकफुरूना बिबाद, तुम किताब के बाज हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज से कुफर करते हो। आज ना बदकिस्मती से खुदा हमें माफ करे, माज अल्लाह मुसलमानों में भी यह आदत आ गई है कि अगर उनकी मर्जी की बात हो तो मजहब इस्तेमाल कर लिया, और अगर मर्जी की नहीं तो फिर उन्होंने कभी मजहब की बात नहीं की। हमारे एंकर फटाफट कहेंगे ओ जनाब ये बात किसका भी तो इस्लाम हुक्म देता है, इस्लाम इसके अलावा भी कई चीजों का हुक्म देता है, आप उसकी तरफ भी जनाब थोड़ी तवज्जो करें, कुल दीन बयान करें। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं एक बंदा हलाल हराम की तमीज नहीं करता, पड़ोसियों को तंग करता है, दोस्त उससे बड़े परेशान है, नमाज के वो करीब नहीं जाता, रिश्वतखोरी चोर बाजारी माज अल्लाह सारी बातें उसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन अब उसने करनी है दूसरी शादी, अब उसे याद आ गया कि दीन में चार शादियां जायज है, बाकी उसे कभी दीन याद नहीं आया, अब उसका इरादा बना दूसरी शादी करने का, अब वो बड़ी ढिटाई से सीना तान के कर ओ भाई चार शादियां जायज है दीन में, ओ खुदा के बंदे और भी बड़ा कुछ जायज है, और भी दीन ने बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। अफतुमिनूना बिबाद अल किताब व तकफुरूना बिबाद, बास दीन की चीजों पर अमल करते हो बास से कुफर करते हो, ये क्या बात हुई। हमारे यहां औरतें क्या कहती हैं, वो कहती है मैंने फलाने मौलाना साहब से सुना है औरत पर जरूरी नहीं सास को रोटी पका के दे, औरत पर जरूरी नहीं ससुर की खिदमत करे, कहां लिखा है बताएं। तो मैंने कहा चलो जो लिखा है उस पर ही अमल कर लो, ये लिखा है दीन में कि हुजूर ने फरमाया सिवाय खुदा के किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरत को कहता खामन को कर, इतना बड़ा दर्जा दिया, चलो इसकी ड्यूटी कर लो। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, एक खातून ने पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औरत के जिम्मे मर्द का हक क्या है, तो हुजूर ने फरमाया अगर मर्द की नाक से पीप निकले और औरत अपनी जुबान से साफ करे तो फिर भी खामन का हक अदा नहीं होता। तो चलो बीबी से को इस पर अमल कर ले, और अगर औरत कहती है मैंने अमल करना है तो फिर दीन ने उसे कहा वह करना फी बयूती कुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, निकलो ही ना, बगैर मजबूरी के घर से निकलो ही ना, तो इस पर अमल करो, सिर्फ जो तुम्हारी मर्जी का है वो दीन है। बाज मजहबी लोग भी ये काम करते हैं, जो उनका मुखालिफ हो गया वो बेदीन हो गया, जो उनसे फिर गया वो बेदीन हो गया। आप दीन को इस्तेमाल तो ना करें, दीन को रहबर बनाए, अपने मकासद हासिल करने की सीढ़ी ना बनाए, इतना जुल्म ना करें अपने ऊपर कि आपने दीन को उसूल मकसद की सीढ़ी बना लिया, दीन को आपने बुनियाद बना के जाति का ऊंचे करने शुरू कर दिए। देखो मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयदना ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ना एक साहब आया करते थे, फिर वो आना छोड़ गए, तो किसी शख्स ने कहा वो गुमराह हो जाएगा यहां नहीं आता, तो हजरत साहब फरमाने लगे खबरदार क्यों गुमराह हो जाएगा, हम कोई मियारे हिदायत है, दुआ करो जहां भी रहे अल्लाह उसे दीन पे कायम रखे। आप इस चक्कर में ना पड़े, इन तासुबात का शिकार ना हो आप थोड़ा सा मेहरबानी करें, दीन सारा है तो सारे दीन पर ही अमल करें, अपनी मर्जी का ले लिया और बाकी छोड़ दिया ये तो बात ठीक है ही नहीं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें कुल दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।